नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। कोविड प्रतिबंधात्मक उपाय योजनाओं के चलते बंद कराई गई कक्षा 5वीं से 12वीं तक की शालाओं तथा पदवी व पदव्युत्तर महाविद्यालयों को कल मंगलवार 8 फरवरी से दोबारा शुरू किया जाएगा। हालांकि जिला प्रशासन द्वारा सभी स्कूलों व कॉलेजों को आज सोमवार 7 फरवरी से ही शुरू करने का निर्णय लिया गया था, किंतु गत रोज भारत रत्न लता मंगेशकर का निधन हो जाने के चलते समूचे देश में 2 दिन का राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है और सोमवार 7 फरवरी को राष्ट्रीय अवकाश की घोषणा की गई। ऐसे में शालाओं और कॉलेजों को खोलने का मामला एक दिन के लिए आगे टल गया। वहीं अब कल मंगलवार 7 फरवरी से सभी शालाओं व कॉलेजों में घंटी बजेगी तथा छात्र छात्राओं की आवाजाही शुरू होगी। फिलहाल पहली से चौथी तक की कक्षाएं बंद ही रहेंगी और इन कक्षाओं की ऑनलाइन पढ़ाई चलती रहेगी। जिलाधीश पवनीत कौर द्वारा जारी किए गए नए आदेश के अनुसार जिले की सभी सरकारी, अर्धसरकारी व निजी व्यवस्थापन वाले शिक्षा संस्थाओं में कक्षा 5वीं से 12वीं तक की शालाएं और पदवी व पदव्युत्तर कक्षाओं वाले कॉलेज अब पहले की तरह शुरू कर दिए जाएंगे। अपनी स्वर साधना तथा सुमधुर आवाज से करीब 4 पीढ़ियों के भाव विश्व को समृद्ध करने वाली गान कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का गत रोज 93 वर्ष की आयु में लंबी बीमारी के पश्चात इलाज के दौरान निधन हो गया, जिसके चलते देश सहित दुनिया के संगीत प्रेमियों में दुख व शोक की लहर व्याप्त है। किंतु यह बहुत कम लोगों को पता होगा कि कला साधना के लिए विख्यात लता दीदी समाज के विकास और विधायक कार्यों के लिए भी बेहद सकारात्मक रवैया रखती थी और जरूरत पड़ने पर अपनी ओर से यथासंभव सहायता भी प्रदान करती थी। इसी के तहत उन्होंने किसी समय अमरावती शहर के विकास हेतु भी करीब 20 लाख रुपए की सहायता प्रदान की थी और उनके द्वारा उपलब्ध कराई गई निधि से अमरावती में स्थित ऐतिहासिक परकोट के संवर्धन व सौंदर्यीकरण का कार्य पूरा किया गया था। इस विषय को लेकर पुरानी यादों को ताजा करते हुए राज्य के तत्कालीन वित्त व नियोजन राज्य मंत्री तथा अमरावती के पूर्व जिला पालक मंत्री डॉक्टर सुनील देशमुख ने मंडल न्यूज को बताया कि भारत रत्न लता मंगेशकर वर्ष 1999 से वर्ष 2005 तक राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यसभा सदस्य थी और उनका कार्यकाल नवंबर 2005 में समाप्त होने वाला था, लेकिन लता दीदी की सांसद निधि में 9,45,00,000 रुपए की निधि अखर्चित थी। यदि इसका समय पर विनियोग नहीं होता तो निश्चित रूप से यह निधि सरकारी तिजोरी में वापस चली जाती। वित्त व नियोजन विभाग में काम करते समय यह बात ध्यान में आते ही डॉक्टर सुनील देशमुख ने तुरंत लता दीदी को पत्र लिखकर मुलाकात हेतु समय मांगा था, लेकिन लता दीदी का शेड्यूल काफी व्यस्त रहने के चलते यह मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद डॉक्टर सुनील देशमुख ने 22 अगस्त 2005 को एक पत्र लिखकर अमरावती शहर का वैभव रहने वाले तथा निजामकालीन परकोट के संवर्धन हेतु 25 लाख रुपए की निधि मंजूर करने का निवेदन भारत रत्न लता मंगेशकर के समक्ष प्रस्तुत किया, जिसे स्वीकार करते हुए खुद गान कोकिला लता मंगेशकर ने उस पर हस्ताक्षर कर डॉक्टर सुनील देशमुख को पत्र मिलने की सूचना दी। साथ ही इस निवेदन को सकारात्मक ढंग से लेते हुए अपनी सांसद निधि से तत्काल ही 20 लाख रुपए की निधि भी मंजूर की। लता दीदी द्वारा उपलब्ध कराई गई इसी निधि का उपयोग करते हुए अमरावती शहर की ऐतिहासिक विरासत रहने वाले निजामकालीन परकोट का कायाकल्प किया गया, जिससे अमरावती शहर की सुंदरता में 4 चांद लगे। इस ऐतिहासिक पुरातन परकोट के संवर्धन का काम पूरा हो जाने के बाद डॉक्टर सुनील देशमुख ने परकोट के नए व पुराने छायाचित्रों के साथ ही काम पूरा हो जाने की सचित्र जानकारी लता दीदी को भेजते हुए उनके प्रति आभार ज्ञापित किया था। वर्ष 1961 में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज अपने भजन की रिकॉर्डिंग के लिए मुंबई स्थित HMV स्टूडियो में गए थे, जहां पर लता मंगेशकर पहले ही अपनी रिकॉर्डिंग के लिए पहुंच चुकी थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने स्टूडियो में राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज को देखा तो वे नतमस्तक होकर बोली, महाराज जी पहले आप गाइए। इसके पश्चात उन्होंने महाराज का आशीर्वाद लिया और महाराज के भजनों की रिकॉर्डिंग होने के बाद ही उन्होंने अपने गीत की रिकॉर्डिंग की। कई वर्ष पुरानी ये यादें गत रोज भारत रत्न लता मंगेशकर के देहावसान के बाद ताजा हुई, जिस समय लता मंगेशकर व राष्ट्रसंत टुकड़ोजी महाराज की वह भेंट हुई थी तब राष्ट्रसंत के तत्कालीन निजी सचिव के रूप में कार्यरत रहने वाले जनार्दन पंत बोटे गुरुजी भी वहां उपस्थित थे, जिन्होंने गत रोज गुरुकुंज आश्रम में लता दीदी को श्रद्धांजलि देने हेतु आयोजित कार्यक्रम में इन यादों को ताजा किया। इस समय गुरुदेव भक्तों द्वारा सामुदायिक प्रार्थना करने के साथ ही भारत रत्न लता मंगेशकर को भावभीनी श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। देश के सर्वोच्च नागरिक अलंकरण भारत रत्न से नवाजी गई विश्वविख्यात गायिका लता मंगेशकर का निधन हो जाने से पूरे देश में शोक मनाया जा रहा है और 2 दिवसीय राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। ऐसे में सभी सरकारी इमारतों में लगे तिरंगे झंडे को लता दीदी के सम्मान में आधा झुका दिया गया। स्थानीय जिलाधीश कार्यालय, विभागीय आयुक्त कार्यालय, जिला परिषद, जिला व सत्र न्यायालय, पुलिस आयुक्तालय व रेलवे स्टेशन जैसे विभिन्न सरकारी कार्यालयों व विभागों में तिरंगा झंडा आधा झुकाया गया है।
अचलपुर शहर से वास्ता रखने वाले कीर्तनकार स्वर्गीय भाऊसाहब शेवालकर का गान कोकिला लता मंगेशकर के पिता मास्टर दीनानाथ मंगेशकर के साथ सतत संपर्क रहा करता था और विविध कार्यक्रमों के लिए दीनानाथ मंगेशकर अचलपुर स्थित 52 एकड़ नाट्यगृह में अपनी नाट्य कंपनी के साथ 15-15 दिन रहा करते थे। इसी तरह लता मंगेशकर भी अचलपुर निवासी गोनाथ दांडीकर को अपना मार्गदर्शक माना करती थी। इसके अलावा स्वर्गीय दादा साहब तारे व स्वर्गीय राम शेवालकर के माध्यम से लता मंगेशकर के भाई हृदयनाथ मंगेशकर 2 बार अचलपुर व परतवाड़ा शहर आकर गए थे। वहीं मंगेशकर परिवार से वास्ता रखने वाली राधा मंगेशकर भी एक कार्यक्रम के निमित्त अचलपुर आकर गई हैं। अचलपुर के ही बाविशी मंदिर में लता दीदी के लिए गणपति अभिषेक आयोजित किया गया था। लता दीदी के देहावसान की वजह से इस समय शेवालकर व तारे परिवार में शोक की लहर है। उनके साथ जुड़ी यादों को ताजा करते हुए श्रीपाद तारे ने अचलपुर व परतवाड़ा के सभी नागरिकों की ओर से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार की सुबह इलाज के दौरान निधन हो जाने की खबर मिलते ही उनके चाहने वालों में शोक की लहर व्याप्त हो गई और जगह जगह पर गान कोकिला कही जाती लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि देने का सिलसिला शुरू हो गया। इसी के तहत गत रोज विदर्भ महाविद्यालय रोड परिसर स्थित विद्युत नगर चौक में भारत रत्न लता मंगेशकर को विभिन्न क्षेत्रों के गणमान्यों द्वारा एकत्रित होकर सामूहिक रूप से श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राष्ट्रवादी कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के की अध्यक्षता में आयोजित इस शोक सभा में सभी ने देश की इस महान गायिका के निधन पर अपनी शोक संवेदनाएं व्यक्त की। श्री अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक मंच तथा दैनिक अमरावती मंडल परिवार द्वारा गत रोज अग्रवाल समाज के वयोवृद्ध समाज बंधुओं का समारोह पूर्वक सत्कार किया गया। बडनेरा रोड स्थित अशोक बाग में महापौर चेतन गावंडी की अध्यक्षता में आयोजित इस सत्कार समारोह में मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत तथा दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल बतौर प्रमुख अतिथि उपस्थित थे। इस आयोजन में सत्कार मूर्ति के तौर पर राधेश्याम अग्रवाल, देवेंद्र अग्रवाल, मोहनलाल अग्रवाल, द्वारकादास अग्रवाल, अनिल बाबू नरेडी व डॉक्टर रवि खेतान का गणमान्यों के हाथों भावपूर्ण सत्कार किया गया। उपस्थित गणमान्यों ने अपने समयोचित विचार व्यक्त करते हुए इन सभी सत्कार मूर्तियों के कार्यों व उपलब्धि का गुणगौरव करने के साथ ही अग्रवाल समाज के कामकाज व भूमिका को लेकर भी अपने विचार रखे। ये यह कार्यक्रम पूरी उन्हीं की ओर से आयोजित किया गया है, लेकिन श्रेय अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक मंच को मिल रहा है इसका, इसलिए हम उनके तहे दिल से आभारी हैं। गो रक्षण में ट्राई करके जाते रहता हूँ। जो गावंडी जी ने नाम लिया गोकुलम गो रक्षण का, उससे जुड़ा हुआ हूँ मैं। इस समय बतौर प्रमुख अतिथि अपने विचार व्यक्त करते हुए दैनिक अमरावती मंडल व मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल ने कहा कि जिन समाज बंधुओं को आज यहां बुजुर्ग या वयोवृद्ध मानकर सम्मानित किया जा रहा है, हकीकत में वे सभी तो सामाजिक कार्यों में युवाओं से भी ज्यादा सक्रिय हैं और हर सत्कार मूर्ति अपने आप में एक चलती फिरती संस्था है, जिनका सत्कार करने के साथ ही हमने उनसे प्रेरणा भी लेनी चाहिए। तो ये मेरा अभ्यास है कि 5 मानकों पर मैं देखता हूँ कि किसी बुजुर्ग का जीवन सफल रहा है या नहीं। एक तो पहला, उस बुजुर्ग ने जिस परिवार में जन्म लिया है उस परिवार में यदि उसकी इज्जत मान प्रतिष्ठा कायम है तो मान लीजिए कि वो बुजुर्ग सफल है। दूसरा, उस बुजुर्ग का परिवार होने के बाद यदि वह वैवाहिक जीवन के पश्चात उसकी पत्नी की नज़रों में यदि उसकी मान सम्मान प्राण प्रतिष्ठा कायम है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल है। तीसरा, आप जिस व्यापार जिस उद्योग में अपना जीवन व्यापन करते हो उस व्यापार उद्योग में यदि आपका मान सम्मान कायम है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल है। चौथा, समाज व्यवस्था, जिस समाज व्यवस्था में आप जन्म लेते हो उस समाज व्यवस्था में यदि आपका मान सम्मान प्राण प्रतिष्ठा कायम है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल है। पाँचवा और अंतिम, जो आपका मित्र वर्ग होता है उस मित्र वर्ग में यदि आपका मान सम्मान कायम है, आपकी पूछ परख है और आपने अपनी इज्जत नहीं खोई है तो समझ लीजिए कि आपका जीवन सफल रहा है। इन्हीं पांचों क्षेत्र में यदि आप सफल है तो आपका जीवन उच्चतम सफल रहा है। और मुझे लगता है कि हमने जिन 7 बुजुर्गों का यहाँ मान सम्मान किया है उन 7 बुजुर्गों का इन 5 जगहों पर मान सम्मान कायम है तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये 7 बुजुर्ग अग्रवाल समाज का गौरव है और हमने जोरदार तालियां बजाकर अपने स्थान पर खड़े रहकर। वहीं इस समय मनपा के नेता प्रतिपक्ष बबलू शेखावत ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि मूलतः राजस्थान से वास्ता रखने वाला अग्रवाल समाज आज देश के विभिन्न राज्यों में अपनी सशक्त उपस्थिति रखता है और देश की अर्थव्यवस्था को गतिमान करने में अग्रवाल समाज का योगदान सर्वाधिक है, जो परिश्रम पूर्वक व्यापार व्यवसाय करते हुए देश को कर के रूप में राजस्व उपलब्ध कराते हैं और रोजगार के अवसर भी पैदा करते हैं। देश की GDP और देश के तरक्की में और देश को आज जो इनकम टैक्स वगैरह जो सब मिलता है
ये सब देश आप लोग चला रहे हैं। ये एक बार कोई एक इलेक्शन के टाइम पे डॉक्टर शेखर साहब के साथ में मैं था, अग्रवाल समाज राजस्थान से है, पूरे देश में राजस्थान से उठ के पूरे देश में गए और जहां जहां गए वो प्रदेश को भी वो प्रदेश की भी तरक्की किए और वहां के लोगों को भी लेके चले। ये देश के जो तरक्की में, देश के इनकम टैक्स में, इसमें अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान। आप अनिल भाऊ, आपने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा कि नहीं तो क्या आज की नई पीढ़ी उनको मालूम पड़ना चाहिए कि अभी इन्होंने बताया कि जिनकी उंगली पकड़ के हम चलते थे, अब बच्चे उनको दिशा दिखाते हैं। तो वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। पर मेरे को मालूम है कि अग्रवाल समाज में एक बात और खासियत है, जितने भी नए लोग हैं माँ बाप की बहुत अच्छे से सेवा करते हैं। साथ ही अपने अध्यक्षीय संबोधन में शहर के प्रथम नागरिक व महापौर चेतन गावंडे ने कहा कि सभी सत्कार मूर्तियों ने अपने कड़े परिश्रम के साथ समाज में अपना एक सम्मानपूर्ण स्थान बनाया है तथा इन बुजुर्गों का सत्कार करने की हमारी पात्रता भी नहीं है। ऐसे में हम सभी यहां पर इन वयोवृद्ध समाज बंधुओं का सत्कार करने नहीं बल्कि इसी बहाने उनका आशीर्वाद लेने हेतु आए हैं। अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक मंचाच्या वतीने समाजाच्या सेवाभावी व्यक्तींचं सत्कार या ठिकाणी आयोजित केला आहे। बबलू भाऊने आपल्या मार्गदर्शनामध्ये म्हटलेलं आहे की आमच्यासारख्या लहान व्यक्तीने तुमचा सत्कार करावा एवढी पात्रता आमच्यात नाही आहे। पण मराठीमध्ये एक मोठे कवी होऊन गेले आणि त्या कवी जवळ आपला एक विद्यार्थी गेला होता आणि तो विद्यार्थी आपल्या जीवनामध्ये घडून गेलेली एक गोष्ट त्यांना सांगत होता की पूर आला होता आणि त्या पुरामध्ये त्याचा संपूर्ण संसार हा वाहून गेला होता आणि ते दुःख त्या कवीला जास्त वाटलं आणि त्यांनी त्याला पैसे देण्याचा प्रयत्न केला। तर तो विद्यार्थी आपल्या कवींना म्हणतो की सर, मोडला संसार तरी तुटला नाही पाठीचा कणा, फक्त पाठीवरती हात ठेवून लढ म्हणा। त्यामुळे अग्रवाल वरिष्ठ नागरिक मंचाच्या वतीने समाजाच्या जे उत्तुंग असं काम केलेलं आहे त्या व्यक्तींचा आशीर्वाद घेण्यासाठी आम्ही आज या ठिकाणी आलेलो आहोत। महेश महिला समिति द्वारा आज तेजस्वी कपिल अमृतकर नामक एक जरूरतमंद छात्रा को नई चमचमाती साइकिल भेंट स्वरूप प्रदान की गई। इस अवसर पर छात्रा की मां हर्षा अमृतकर भी उपस्थित थी। मां बेटी द्वारा महेश महिला समिति की अध्यक्षा आभा लाहोटी, सचिव स्नेहल झंवर, कार्यकारी अध्यक्षा स्मिता कासट व स्मिता सीख जी तथा प्रोजेक्ट डायरेक्टर रश्मि नावंदर के प्रति इस सानुग्रह भेंट हेतु आभार ज्ञापित किया गया। किसी बच्ची की एक मांग थी साइकिल की, जो पेरेंट्स पूरी नहीं कर पाए किसी कारणवश, उनका ये बहुत दिनों से आंदोलन चल रहा है, उसकी वजह से ये पूरी नहीं कर पाए। तो हमारे महेश महिला समिति की तरफ से हमने उसे ये साइकिल दी। आप महेश महिला समिति द्वारे एक आवाहन केलं आणि ताबडतोब 2 दिवसाच्या आत सतीश भाऊ आम्हाला भेटले। सतीश भाऊ म्हणे नाही आपण हे करूया, पण सगळ्यात चांगली गोष्ट अशी सांगते की मी 1 महिन्याआधी तेजस्वीला फोन केला, तिच्या आईला फोन केला आणि काही प्रकारच्या मदत, पूर्ण पुलाची पाकळी बाकी लोकंसुद्धा करतील ह्याच अपेक्षानं आम्ही ही सायकल देत आहे। कोणीही नाराज होऊ नका, जे काही आमच्याकडनं पुढेसुद्धा भविष्यात काही मदत होईल ते आम्ही निश्चित करू। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 101 नए संक्रमित मरीज पाए गए। इसके साथ ही एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 1249 हो गई है। इन एक्टिव पॉजिटिव मरीजों में मनपा क्षेत्र के 608 व ग्रामीण क्षेत्र के 641 मरीजों का समावेश है। इसमें से 74 मरीज कोविड अस्पताल में भर्ती है। वहीं मनपा क्षेत्र में 552 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 623 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान जिले में 721 संदिग्धों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई, जिसमें से 14% की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 97.28% के स्तर पर है। बीते 24 घंटे के दौरान समूचे संभाग में 249 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें अकोला के 13, यवतमाल के 35, बुलढाणा के 308 व वाशिम के 92 मरीजों का समावेश है। साथ ही इस दौरान संभाग में 1634 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 53, यवतमाल के 201, बुलढाणा के 977 तथा वाशिम के 154 व्यक्तियों का समावेश रहा। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ओबीसी प्रकोष्ठ द्वारा राज्य में 17 फरवरी से 15 मार्च के दौरान प्रत्येक विभागीय स्तर पर ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर 13 मोर्चों का आयोजन किया गया है। ऐसे में मोर्चे को सफल बनाने का आह्वान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले द्वारा राज्य के सभी कांग्रेस पदाधिकारियों से किया गया है।
रमाबाई आंबेडकर पूर्णाकृति पुतला समिति द्वारा आज यहां बुलाई गई एक पत्रकार परिषद में कहा गया कि रमाबाई व्यापार संकुल में माता रमाई का पुतला स्थापित किए जाने की मांग विगत लंबे समय से प्रलंबित पड़ी है और अब तक मनपा द्वारा परिसर में पुतला स्थापित नहीं किया गया। चूंकि इस वर्ष माता रमाई की 125वीं जयंती मनाई जा रही है, अतः मनपा द्वारा 14 अप्रैल से पहले व्यापार संकुल परिसर में माता रमाई का पूर्णाकृति पुतला स्थापित किया जाए। रमाबाई आंबेडकरांचा पुतळा नाही, तो पुतळा पहिल्यांदाच आपल्या अमरावती शहरामध्ये बसत असेल। तर खऱ्या अर्थानं या अमरावती नगराचं जे नाव आहे ते अमरावती नगराचं नाव ते अजरामर इतिहासामध्ये अजरामर होणार आहे। नेशनल रेलवे मजदूर यूनियन की बडनेरा शाखा द्वारा यूनियन के पूर्व सचिव राजेंद्र दोड़े की स्मृति में रेल स्थानक के रेस्ट हाउस में भव्य रक्तदान शिविर का आयोजन शनिवार को किया गया था, जिसमें 111 रक्तदाताओं ने रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में इरविन अस्पताल की टीम द्वारा रक्त संकलन कर रेलवे मजदूर यूनियन शाखा की प्रशंसा की गई। मरीजों को रक्त की किल्लत महसूस न हो, इस उद्देश्य को लेकर गत रोज श्री लोहाना नवयुवक मंडल द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन बडनेरा मार्ग स्थित भक्तिधाम मंदिर के उमिया माता अन्न क्षेत्र हॉल में किया गया था। इस समय 65 रक्तदाताओं ने रक्तदान करते हुए सामाजिक कार्य में अपना योगदान दिया। राज्य में अभी ब्लड की कमतरता का हमको ज्ञान हुआ, उस हिसाब से हमने ये ब्लड डोनेशन कैंप करने का निर्णय लिया। अभी तक के हम 50 यूनिट ब्लड ले चुके हैं। और विगत 3 माह से विलीनीकरण की मांग को लेकर काम बंद आंदोलन व हड़ताल कर रहे एसटी कर्मचारियों को भाजपा के शहराध्यक्ष किरण पातुरकर द्वारा 225 राशन किट सुपुर्द की गई। बता दें कि रापनी कर्मियों का विगत 3 माह से आंदोलन चल रहा है और इस दौरान राज्य सरकार द्वारा उनका वेतन रोक दिया गया है। ऐसे में रापनी कर्मचारियों पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। गत रोज कृष्णानगर स्थित बजाज धर्मशाला में धन्वंतरी सरकारी अस्पताल व पुरुषोत्तम बजाज मित्र मंडल द्वारा संयुक्त रूप से स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें परिसर के 73 नागरिकों की स्वास्थ्य जांच की गई। इस शिविर का उद्घाटन पूर्व पार्षद डॉक्टर गिरधारीलाल बजाज के हाथों किया गया। इस समय पुरुषोत्तम बजाज मित्र मंडल के साथ ही पूज्य पंचायत रामपुरी कैंप के पदाधिकारी व क्षेत्र के गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे, जिसमें धन्वंतरी हॉस्पिटल एवं डॉक्टर अंतोड़कर यानी शहर के नामी गिरामी डॉक्टरों ने इसमें भाग लिया और यहाँ के लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में इसका प्रसिद्ध फायदा लिया इसका। विधायक प्रताप अड़सड़ ने पूर्व विधायक वीरेंद्र जगताप को लेकर एक बयान जारी करते हुए कहा कि अध्यक्ष पद का दुरुपयोग व सरकार की दिशा भूल करना कतई उचित नहीं है और पूर्व विधायक द्वारा संवैधानिक पद पर रहते हुए केवल अपने ही लोगों को नियम बाह्य लाभ दिए जाने का कार्य किया जा रहा है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की शीतकालीन परीक्षा आज से शुरू होने वाली थी, जिसे देश की सुख्यात गायिका लता मंगेशकर के निधन की वजह से आगे बढ़ा दिया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए परीक्षा व मूल्यमापन मंडल के संचालक हेमंत देशमुख द्वारा कहा गया कि परीक्षा की अगली तारीख जल्द घोषित की जाएगी। बडनेरा रोड पर दशहरा मैदान के पास स्थित श्री संकटमोचन विजय हनुमान मंदिर में आज से 12 फरवरी तक श्रीराम जानकी जन्म की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ आज सुबह 9 बजे से स्नान, मंडप पूजन, अग्नि स्थापना, गुरु पूजन व ब्राह्मण पूजन जैसी 10 विधियों से किया गया। यवतमाल जिले के कलम तहसील के किन्हाला में अंतिम संस्कार के लिए अधिकृत श्मशान भूमि नहीं है और जिसके पास खुद की खेती है वे अपने खेतों में मृतदेहों का अंतिम संस्कार करते हैं। ऐसे में भूमिहीनों को काफी परेशानी होती है, अतः गांव में श्मशान भूमि तैयार किए जाने की मांग कई बार की गई, लेकिन प्रशासन द्वारा अब तक इस पर ध्यान नहीं दिया गया। ऐसे में रविवार को गाँव की महिला के अंतिम संस्कार की समस्या निर्माण होने पर गाँव वासियों ने रास्ते पर उतरकर आंदोलन किया और महिला की लाश को साथ में लेकर पंडरगौड़ा मार्ग पर चक्का जाम आंदोलन किया। तब कहीं जाकर यहाँ के विधायक ने अंतिम संस्कार के शेड निधि उपलब्ध कराई। सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में कार्यरत कर्मचारियों को नवंबर से जनवरी इन 3 माह के लिए अब तक वेतन अदा नहीं किया गया, जिसके कारण कर्मचारियों के सामने आर्थिक समस्या निर्माण हुई है। अतः तत्काल वेतन अदा किए जाने की मांग को लेकर सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के कर्मचारियों ने स्वास्थ्य अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा है। हे पेमेंट रेगुलर झालं पाहिजे, आम्ही प्रामाणिकपणे काम करतो, सगळ्यांची सेवा करतो, अशा वेळेस आम्हाला पगार नाही भेटला तर आमचं सगळं घराचं कसं चालायचं? लोकांची थकबाकी आहे, इन्स्टॉलमेंट आहे, लोकांचे घराचे कर्ज वगैरे आहे, त्याच्यावर पेनल्टी लागत आहे स्टॉक बँकेची। आणि प्रत्येक वेळेला आम्हाला एकच सांगितलं जाते की फक्त आता होईल, 8 दिवसांनी होईल, 8 दिवसांनी होईल। ग्रँड आलेली आहे, अर्ध 65 लाखाची आहे, 55 लाखाची, असं उत्तर दिल्या जाते। पण दिले याच्या आधी आम्ही लेखी दिलेला आहे आणि त्याचे पाठपुरावे आता आम्ही करणार 8 दिवसामध्ये, आणि याच्यानंतर 8 दिवसात जर नाही झालं
तर आम्ही मंत्रालयापर्यंत जाण्यासाठी तयार आहे आणि आम्ही विचारणार की आम्ही काय केली आहे की आमचे पगार तुम्ही थांबवले। आज सोमवार से वैलेंटाइन सप्ताह की शुरुआत हुई और सप्ताह के पहले दिन रोज डे के अवसर पर प्रेमी जोड़ों ने एक दूसरे को गुलाब का फूल देकर अपने प्रेम का इजहार किया। साथ ही कोरोना के साए में रोज डे मनाया गया। रोज डे के अवसर पर एक्सप्रेस हाईवे, छत्ती तालाब, वडाली तालाब, बांबू गार्डन तथा कुछ खास होटलों सहित मालटेकड़ी व चांगापुर परिसर में युवाओं का समूह देखा गया। रोज डे के अवसर पर बिक्री में तेजी आने की वजह से 5 रुपए में बिकने वाला गुलाब का फूल 8-50 रुपए प्रति नग से बिका। गांधी चौक परिसर के कोने में गोलगप्पा यानी गुपचुप का ठेला लगाकर अपनी रोजी रोटी चलाने वाले पिता पुत्र पर बीती रात 10 बजे के आसपास मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 युवकों ने लाठियों से हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले में दोनों पिता पुत्र के हाथों में बड़ी चोट आई है। इस मामले में अज्ञात हमलावरों के खिलाफ धारा 324 के तहत मामला दर्ज करते हुए उनकी तलाश शुरू कर दी गई है। घायल पिता पुत्र का नाम माधव नगर परिसर निवासी प्रसाद अशोक रोखड़े तथा अशोक रोखड़े बताया गया है। राजापेट पुलिस ने हाल ही में नया बाईपास रोड कृष्णा मार्बल के सामने एक 4-पहिया वाहन से गांजे की तस्करी करते समय 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जिनकी पुलिस कस्टडी आज समाप्त होने जा रही। इसी बीच पुलिस ने अकोला से 22 वर्षीय माया उर्फ गोपाल गावंडे नामक आरोपी को भी गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। इस मामले में गिरफ्तार आरोपियों की संख्या अब 3 पर जा पहुंची है। गाड़गे नगर पुलिस थाना क्षेत्र के प्रियंका कॉलोनी स्थित संत गजानन महाराज मंदिर में घुसकर चोरों ने चोरी की और यहां पर दान पेटी फोड़कर 10,000 रुपए नगद चुरा लिए। साथ ही चोरों ने सीसीटीवी फुटेज के डिवाइस की हार्ड ड्राइव व एक पेन ड्राइव ऐसे करीब 11,750 रुपए के माल पर भी हाथ साफ कर दिया। माता पिता ने दहेज में सोने व चांदी के गहने कम दिए, इसलिए मायके से 10 तोला सोना लेकर आओ वरना इस घर में कदम मत रखना, ऐसा कहकर 24 वर्षीय पीड़ित महिला को घर से भगा दिया गया। साथ ही ससुराल वालों ने नौकरी व अन्य जानकारी भी विवाह से पहले झूठी दी थी। इसके अलावा आरोपी पति का किसी अन्य युवती के साथ अनैतिक संबंध भी है, ऐसा आरोप पीड़ित युवती द्वारा सिटी कोतवाली थाने में दी गई शिकायत में लगाया गया है, जिस पर पुलिस ने भंडारा निवासी आरोपी पति सुमित कारमोरे, ससुर प्रभाकर कारमोरे व सास के खिलाफ विवाहिता की शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना को लेकर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज किया है। इस मामले में विवाहिता ने पुलिस को यह भी बताया कि जिस अन्य महिला के साथ उसके पति के विवाह बाह्य संबंध है, खुद उस महिला ने उसे मोबाइल पर मैसेज भेजते हुए यह संदेश दिया था कि तेरा पति मेरे साथ विवाह करने वाला है। इसके अलावा विवाह से पहले ससुराल पक्ष द्वारा यह भी बताया गया था कि सुमित कारमोरे इंजीनियर है और उनके घर में काफी अच्छी खेतीबाड़ी है, किंतु यह जानकारी भी पूरी तरह से झूठ निकली। दरियापुर पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित पोस्ट ऑफिस में अज्ञात चोरों ने घुसकर चोरी करने का प्रयास किया। इस मामले को लेकर गणेश नगर परिसर निवासी प्रिया बोचे ने पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई। दरियापुर पुलिस द्वारा मामले की जांच की जा रही है। संत नगरी शेगांव में कुछ समाज कंटकों ने खुलेआम कानून की धज्जियां उड़ा दी। देर रात तक डीजे बजाने से पुलिस ने मना किया। इस बात से नाराज होकर 8 से 10 आरोपियों ने सीधे पुलिस थाने पर हमला बोलकर पुलिस थाने में तोड़फोड़ की। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दरियापुर तहसील अंतर्गत धामोड़ी के निकट घुंघशी बैरेज जलाशय में डूबकर आराध्या नामक 3 वर्षीय बालिका समेत उसकी मां प्रिया ताइडे की मौत हो गई। यह सनसनीखेज मामला कल रविवार को सुबह 8 बजे उजागर हुआ। सौभाग्य से बच्ची के पिता गौरव ताइडे को बचाने में सफलता मिली है। इस मामले में मृतक महिला के पिता विठल पुंडकर ने हादसा होने का संदेह व्यक्त करते हुए दरियापुर थाने में शिकायत दर्ज कराई है, किंतु मृतक महिला का पति फिलहाल फरार है, जिसकी सरगर्मी से पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है। यवतमाल के वसंतराव नाईक सरकारी मेडिकल कॉलेज परिसर में जिला शल्य चिकित्सक कार्यालय के नियंत्रण वाले सरकारी नर्सिंग महाविद्यालय में पढ़ने वाली व सरकारी छात्रावास में रहने वाली एक छात्रा की अचानक मौत हो गई। इस मामले में छात्रावास की वार्डन व वहां की महिला कर्मचारी के खिलाफ सदोष मनुष्यवध का अपराध दर्ज करने की शिकायत छात्रा के पिता द्वारा दी गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।